हाय गाइस, आज हम 3 HP टेक्सो मोटर की 3 फेस वाइंडिंग बताएंगे। ये देखिए, अपने खोल कर रखा है मोटर को। ये उसके सारे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। ये मोटर काट के रख लिया अपन ने साफ करके। ये टेक्समो का 3 HP मोटर है 3 फेस का। ये अपन स्टार्ट करते हैं, उसकी कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉइल आ रही है अपने 25-26 इंच का आया है। ये 10 mm गेज से इसके 40 टर्न डालेंगे अपन। चार चार कॉइल के सेट बनाएंगे। पहली कॉइल 26 इंच की है, उसके बाद 28 इंच की है, फिर उसके बाद 28 की है, फिर 26 इंच की है। इस तरह चार कॉइल बनेंगी। चारों कॉइल में 40 टर्न डालेंगे 1.0 mm के। इस तरह से अपन 3 सेट बना लेंगे। देखिए दोस्तों, 1 सेट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अपन 3 सेट बनाएंगे, 2 सेट और सेम बनाएंगे इसी तरह के। कॉइल को अलग अलग बांध लेंगे इस तरह, ताकि मिक्स ना हो पाए वायर एक में। निकाल लेंगे इस कॉइल को खुलकर। देखिए दोस्तों, अपन ने कॉइल अपना एक सेट कंप्लीट हो गया है 1 फेस का। इसको निकाल लेंगे फर्मा से। ये कॉइल बन गई। देखिए दोस्तों, इस तरह की 3 कॉइल बना ली अपन ने। ये बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 1 से 10 पे चेन बाइंडिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 1 से 10 और 1 से 12 हम पहली 2 कॉइल डाल ली है। अभी दूसरे सेट की 2 कॉइल डालेंगे। 1 सेट की 2 कॉइल डालेंगे, फिर दूसरे की 2 कॉइल डालेंगे, फिर तीसरे की भी 2 कॉइल डालेंगे। इस तरह से 1 से 10 पे डालेंगे ये भी। सेपरेटर पेपर को निकाल देंगे। बाद स्टिक फंसा देंगे। ये स्टिक फंसा कॉइल को लॉक कर देंगे। कॉइल को दबा के शेप में दे देंगे कॉइल को। इस तरह कॉइल को शेप दे देंगे। देखिए, इसके ऊपर वाली कॉइल से 2 स्लॉट छोड़ दिए खाली, और नीचे वाली कॉइल से भी 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं। ये 1 से 12 हम डालेगी कॉइल अपना। इस तरह सीधा कर लेंगे कॉइल को। आगे इस थोड़ा सा पतला करेंगे। इस तरह पतला करेंगे के बाद पेपर के अंदर रखेंगे। दोनों उंगलियों की वजह से, दोनों हाथ से दबाते हुए धक्का देंगे। इस तरह से ये कॉइल अपना इंस्टॉल हो जाएगा। ये कॉइल इंसर्ट हो गया अपना। ये स्टिक फंसा दिया अपन ने। कॉइल को शेप दे देंगे दबाकर। ये अपनी 2 कॉइल फंस चुकी हैं, 2 सेट की 2 कॉइल फंस गई। अभी तीसरा सेट लेंगे। ये भी 1 से 10 में बढ़ाते जाएंगे एक तरफ से लाइन से। ये अपने 1 से 10 में पेपर फंसा लिया है।
अब ये तीसरे सेट की कॉइल लेंगे, चेन बाइंडिंग में दोस्तों एक दो दो कॉइल फंसाते जाएंगे तीनों सेट की। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी आपको समस्या हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे आपको सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग सीखने को मिलेगी, मोटर स्टार्टर वगैरह सभी का काम करते हैं। तीसरे सेट की सेकंड कॉइल डल रही है दोस्तों, एक से बारह पे डाल दिया अपन ने। सेपरेटर निकाल लिए और स्टिक डाल देंगे इस तरह से। दोनों साइड से अच्छे से स्टिक लगा देंगे, वायर को पूरे स्लॉट के अंदर करते हुए। अब दोस्तों ये कॉइलों को पलट लेंगे अपन, नीचे वाली कॉइल को ऊपर कर लेंगे, ऊपर वाली को नीचे कर लिए, ये पलट दिया अपन ने ताकि अब पहले स्टार्ट वाली पर आ जाए। अब ये थोड़ी स्टॉक कर जगह बना ली, फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। एक से दस वाली कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। इस तरह थोड़ा सा पतला करेंगे आगे से। इस तरह दबा देंगे कॉइल को। इसके अगली कॉइल लेंगे अपन, एक से बारह वाली। अब इस थोड़ा पतला कर लेंगे इस तरह। इस तरह कॉइल को दबाते जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें आपको अच्छा लगे तो। कॉइल को दबा के सेफ दे देंगे। ये
दो कॉइल और बची हुई है, इसके बाद वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी अपनी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सेपरेटर पेपर को निकाल लेंगे, फिर स्टिक लगा देंगे, इस तरह से स्टिक लगाएंगे। दोनों तरफ स्टिक लगा लें अच्छी तरह से। कॉइल को दबा के शेप दे देंगे। तरह से कॉइल दबा देंगे, अगली कॉइल बिठाने में दिक्कत ना आए। ये एक से बार आप सेपरेटर डाल लिया अपने, ये एक से बार कॉइल को डाल देंगे। इस तरह पहले सीधा करेंगे कॉइल को, सेपरेटर पेपर को निकाल लेंगे। सेपरेटर पेपर निकाल लिए अपन ने, लकड़ी ठोक कर हल्का हल्का जगह बना लेंगे। पेपर को डाल लेंगे, एक से दस पे डालेंगे। इस तरह पतला कॉइल को रखा देंगे। सेपरेटर पेपर को निकाल लिया, अब स्टिक को डाल देंगे, कॉइल को लॉक कर देंगे स्टिक लगा कर। ये स्टिक लग गया अपना, ये दूसरी साइड का सेपरेटर निकाल लिया, अब इस पर भी स्टिक लगा देंगे।
ये स्टिक लग गई दोनों साइड से। कॉइल को दबा के शेप दे देंगे। तो ये चेन बाइंडिंग है टेक्समोक 3HP 3 फेस मोटर बाइंडिंग कर रहे हैं अपन, चेन बाइंडिंग में कर रहे हैं ये बाइंडिंग। ये दोस्तों 1 से 12 वाली लास्ट कॉइल डालेंगे, इसके बाद अपनी बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये वायर आ रहे हैं जो जुड़े हुए हैं दोनों सरफ के, इनको अपन क्रॉस में रखना है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, इस तरह देखिए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है अपना, इसलिए इस पार्ट को अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। बाइंडिंग के बाद में अपन ये पार्ट ख़त्म कर देंगे, अगले पार्ट में अपन कनेक्शन और फिटिंग वगैरह बताएंगे, केबल जॉइंट कनेक्शन, इसके स्टार कनेक्शन करना है। दोस्तों ये लास्ट कॉइल अपना बाइंडिंग कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगला वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगला वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों अपनी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, चेन बाइंडिंग है ये। अब इसके अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।